फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। श्रेया, मेरा ड्यू डेट आ गया है और बहुत पास में मेरा ड्यू डेट, बट मेरा अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। मुझे डॉक्टर बोल रहे हो अगर ड्यू डेट के आसपास कुछ नहीं हुआ तो लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा। श्रेया, क्या मैं कुछ खा सकती हूँ, क्या कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ जिससे मेरा लेबर इंड्यूस हो जाएगा? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ये सभी सवालों के जवाब हम लोग आज की पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा डेट देख के पैदा नहीं होता। By the way, all of you, I'm a child birth educator, Shreya Shah। हम लोग गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ये उन कपल्स को सिखाते हैं जो प्रेग्नेंट है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर द थिंग्स। आपको ज्वाइन करना है, गेट इन टच विद अस एट mydujah.com। बट अभी के लिए, लेबर पेन आया ही नहीं, ड्यू डेट आ गया तो क्या होगा? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे ड्यू डेट पे पैदा होने वाले पूरी दुनिया में सिर्फ 5% ही है। बाकी सब बच्चे या ड्यू डेट के पहला पैदा होते हैं या ड्यू डेट के बाद पैदा होते हैं। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट इट। दूसरा चीज़, ड्यू डेट प्रिफरेबली फैमिली में ज़्यादा किसी को मत बताओ और ख़ुद को भी बहुत मत बताओ। इज़ ऑलवेज ड्यू वीक या ड्यू मंथ, कि उस 10-15 दिन के विंडो में आपका कभी ना कभी डिलीवरी होगा। बिकॉज अगर आप लोग सबको ड्यू डेट बता देते हो तो इट बिकम्स अ प्रेशर फॉर एंटायर फैमिली। अरे बाप रे, अब तक कुछ नहीं हुआ, अरे बाप रे, अब तक कुछ नहीं हुआ। लोग फ़ोन कर करके आपको स्ट्रेस में डालेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट के आसपास आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वर्कआउट है, वो सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग लेबर के आसपास हो तो आपको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्यू डेट के आसपास आपको हेल्प करेगा, लेबर के शायद से आप लोग आसपास हो, शायद से नहीं हो, इज स्टेइंग रिलैक्स। अब जितने ज़्यादा पैनिक होते हो उतना आपका लेबर आने का पॉसिबिलिटी दूर होते जाता है। सो यू हैव टू बी रिलैक्स। रिलैक्स एंड हैप्पी मदर हमेशा लेबर पेन जल्दी लेके आएगी। सो यू हैव टू बी रिलैक्स एंड यू हैव टू बी हैप्पी एक्साइटेड। इनफैक्ट मैं हमेशा मदर्स को बोलती हूँ कि खुश होना, ठीक है ना, आ जाएगा ना। कभी बाहर निकलने हो तो बच्चा डिसाइड करेगा, तो बच्चे को ही डिसाइड करने दो। उसके लिए प्लीज़ बच्चे को स्ट्रेस में मत डालो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग कुछ चीज़ें खा सकते हो, जैसे पका हुआ पपाया के 2 स्लाइसेस अगर आप लोग खाते हो तो ये आपको लेबर इंडक्शन में हेल्प करेगा। उसके ही साथ आप लोग चाय का जो मसाला मिलता है, सो 1 कप दूध में अगर आप लोग चाय का मसाला डालते हो, दूध थोड़ा तीखा होने तक अगर उसको हिलाते हो और उसको उबाल के अगर पीते हो, तो उससे आपका लेबर इंड्यूस होने में बहुत हद तक हेल्प होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कॉमेडी चीज़ें, बहुत हंसो। आप लोग जितना ज़्यादा हंसोगे उतना आपका लेबर इंड्यूस होने में हेल्प होता है। सो मोर यू आर हैप्पी, मोर यू आर रिलैक्स, मोर यू आर बेटर विथ हेल्थ, फास्टर द ऑक्सीटोसिन, फास्टर द लेबर पेन। ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से काम करता है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको लेबर इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट्स गेट स्टार्ट। लेबर इंड्यूस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने बहुत गौर से देखा तो आई एम वेयरिंग नॉर्मल सलवार कमीज, तो आपको ये दिखाना है मुझे कि कपड़ों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कंफर्टेबल कपड़ों में कर सकते हो। 1 हिप रोटेशंस, इससे लेबर इंडक्शन में हेल्प होगा। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आपको जब भी जो पॉसिबल हो आप लोग कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप लोगों को हिप ओपनिंग, जैसे मैंने चेयर के ऊपर एक पाव रख दिया है, सो आपको लंजेस करने, आप प्रेग्नेंट हो, आपको चेयर प्रिफरेबली दीवार से लगी हुई होनी चाहिए। 4, 5, सो एटलीस्ट 10 with left, 10 with right आप लोग कर सकते हो, इससे आपको लेबर इंडक्शन में हेल्प होगा। तीसरा चीज़, इंडियन टॉयलेट सीट में बैठना दोनों हाथों का नमस्ते करके, इससे आपको हेल्प होगा लेबर इंडक्शन में बिग टाइम। सो यू जस्ट सिट। चौथा चीज़, इसके लिए शिवानी तुला कैमरा जूम करा लगे, अत्ता नहीं एडिट करता ना। चौथा चीज़, आप लोगों का जो पाव है, पाव का जो बाहर का हिस्सा होता है उससे आपको 4 उंगली ऊपर आना है, यहाँ पे आपको हड्डी लगेगा उसके पीछे हील की तरफ, दिस इज़ द पॉइंट। ये आपको हर 3 घंटे बाद 3 मिनट के लिए प्रेस करना है दोनों पाव पर, इससे लेबर इंड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखो ऑल ऑफ यू, खड़े रहना और विजुअलाइज करना कि मैं जब भी लेबर पेन में जाऊंगी तो मैं कितनी रिलैक्स रहूंगी। गर्म पानी से शॉवर लेना, गर्म पानी में नमक डाल के उससे शॉवर लेना, ये सभी चीज़ें आपको रिलैक्स करती है। सो फिजिकली मेंटली आपको जो जो चीज़ें रिलैक्स कर सकती है
वो सब चीज़ें करो, बिकॉज दैट्स द की फॉर लेबर इंडक्शन. सो लेबर पेन नहीं आया, इसका जितना स्ट्रेस लोगे उतना लेबर पेन नहीं आने वाला है. सो बी रिलैक्स एंड गो फॉर इट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भ संस्कार करना चाहते हो, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.maidhuja.com. फिटनेस ज़रूरी है, प्राणायाम ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, एंशन थेरेपी ज़रूरी है एंड कपल कनेक्ट भी ज़रूरी है. ये सभी चीज़ें आपको साथ में माई दूजा प्लेटफॉर्म पे सीखने के लिए मिल जाएगी. हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय.